शांत रहना सब। गिरफ्तारी हुई है, सर यही की गिरफ्तारी हुई है। कैसे हुई? एक मुकदमा था, मुकदमे के अकॉर्डिंग थे, किनको किया गया है? ये जो यति नचवान है सर, किस मामले में किया गया है? क्योंकि उन पे दो तीन मुकदमे चल रहे थे तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पर सर हेट स्पीच मामला था, उसमें इनको गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी के लिए इतना थे सर, धाराएं बता दीजिए क्या? सर कोई महिला सर किसी महिला के उदाहरणों में किया गया है? कोई महिला वाला मामला नहीं, आपको बता दिया। मुकदमा जो है तीसरा मुकदमा जो था जिसमें महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनके अरेस्ट। सर अभी कुछ समय नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। करेंसी का कोई मामला है मेरे संज्ञान में? सर शहर में धारा 144 लागू हुई है, उसके बाद ही तुरंत गिरफ्तारी की गई, पर ऐसा पहले क्यों नहीं की गई गिरफ्तारी जब उस समय उनको गिरफ्तार किया था? बस इनके लिए लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आज उनकी गिरफ्तारी। ठीक है सर, ठीक है। यति नरसिंहानंद जी हमारे नायक हैं, लेकिन ये अच्छा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर दिया है, और हम लोग ये सत्याग्रह जारी रखेंगे, सत्याग्रह चलता रहेगा, नियमों का पालन भी करेंगे। हम नियमों का पालन शुरू से करते आ रहे हैं, नियमों का पालन पहले भी कर रहे थे, नियमों का पालन अभी भी करते रहेंगे, क्योंकि सत्याग्रह चलता रहेगा। जिस प्रकार से सरकार ने हिंदू विरोधी और संत विरोधी अपना चेहरा दिखाया है, और यह चुनाव आयोग का बहाना है, तमाम बड़ी शक्तियां इसमें लग गई हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हैं। उनको लग रहा है कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, दुकान बंद होने के खतरे वाले लोग सामने आ गए हैं। हमने मोर्चा खोला मुख्यमंत्री का, हमारा नायक गिरफ्तार हो गया, लेकिन यहाँ सब नायक हैं, नायक हमने 21 बना रखे हैं, उसमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है। गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है कि गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, अभी जिस अपराध में उन्होंने गिरफ्तार किया वो निंदनीय था। कोई महिला को खोज के ले आए, उन्होंने कहा कि हमारा अपमान किए, महिलाओं को गाली दिए। यति नरसिंहानंद जी महाराज सबका सम्मान करने वाले महात्मा हैं, सबका सम्मान, बहुत सम्मान। प्रतिकार सभा का रूप जो दिन में था वही प्रतिकार सभा यज्ञ के माध्यम से हम प्रतिकार करने की बात पहले दिन कहे, क्योंकि जब कोविड गाइडलाइन आ गई थी तो हमने उस सभा में लोगों को सीमित किया था और कहा था कि अपने अपने स्थल पे ही आप यज्ञ आदि करके प्रतिकार करने का, क्योंकि अब संतों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने लगे हैं तो हिंदू आम हिंदू का क्या असर होगा आप कल्पना कर सकते हैं। गुरु जी, अमृतानंद जी की तबीयत खराब थी, उनका क्या, उनको भी लेके आए हैं, किस तरह से आए हैं? अमृतानंद जी सत्याग्रह स्थल पे हैं, सत्याग्रह उनका चल रहा है, केवल यति नरसिंहानंद जी को ले आया गया है, और वो भी हेट स्पीच के मामले में नहीं लाया गया ऐसा बताया गया है। कहूँगा कि यदि आप अपने मंडलेश्वर को नहीं बचा पाए तो फिर आगे क्या होगा आप सोच सकते हैं। जूना अखाड़े के लोगों को नहीं, समस्त अखाड़े के लोगों को का समय है, संतों का समय है। अगर संतों के लिए आगे नहीं आया तो फिर कोई आंदोलन आप खड़ा नहीं कर पाओगे, और ऐसे ही सरकारें ब्यूरोक्रेसी आपका दमन करती रहेगी, आप उसको झेलते रहोगे। अखाड़ा परिषद को खुले मैदान में आना चाहिए, अखाड़ा परिषद तो हर मुद्दे पे साइलेंट रहता है, जो चाहता आकर के रौद करके चला जाता है। ये तो कम से कम 50 संतों का समूह है जो पहली बार जिंदा हुआ है, खड़ा हुआ है हिंदू धर्म के लिए को लेकर के, और ये सत्याग्रह है, चलता रहेगा, अनंत काल तक चलेगा, जब तक कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता है।